अश्वनी जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मैम मेरी उम्र 30। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। 34 इयर्स मेरी उम्र है। मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं? उसका बर्थडे है 24/9/2001 और वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। उसके बारे में, वो पढ़ाई ठीक से नहीं करता, वो ध्यान दे के पढ़ाई नहीं करता, और आगे करके उसको कौन से फील्ड में डालूं मैं? देखिए, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम है। अभी सही में ये पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं करता है। आप चाहते हो पढ़ाई ठीक ढंग से करे तो आप केसर और चंदन हल्का सा सुबह इसको स्कूल जाते समय माथे पर लगा करके और एक चावल का दाना इसके माथे पर चिपका दिया करिए। यदि ऐसा ना संभव हो, केसर ना संभव हो, तो थोड़ी सी हल्दी घिस करके उसके माथे पर लगा करके उस पर एक चावल का दाना माथे पर लगा दिया करें। यदि ऐसा आप कुछ दिनों तक करती हैं तो निश्चित रूप से इनकी पढ़ाई अच्छी होगी। आपके पुत्र भाव से दशम भाव का स्वामी शुक्र है। ये मीडिया में, फिल्म में और किसी प्रकार के कला जगत में आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें इनको सफलता मिलेगी। फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़ गई है। सताक्षी जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। जी, मेरा जन्म 1982 का है। मैं अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहती हूँ, और मेरी दो लड़कियाँ, तो और एक लड़का हो जाए। जी देखिए, जहाँ तक आपने अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा, बुध, शनि और राहु तीन ग्रह छठवें भाव में बैठे हुए हैं, तुला राशि में। इन तीन ग्रहों का संकेत यह है कि आपके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपके पति के स्वास्थ्य में नसों का खिंचाव, एसिडिटी गैस का रोग और हड्डियों के रोग की संभावना है, जिससे इनका मन हर समय दुर्बल बना रहता है। इनको चाहिए कि सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके शनिवार को सरसों का तेल 7 शनिवार दान करें। इससे इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके बेटियों का भविष्य सुंदर है और निश्चित रूप से आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। गणेश जी भगवान का एक स्वरूप है, लंबोदर स्वरूप। क्या है स्वरूप की महिमा और इसकी आराधना करने से क्या फायदा होता है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। भगवान गणेश का ही रूप है लंबोदर। लंबा हो उदर जिसका, पेट जिसका लंबा हो, उसको कहते हैं लंबोदर। अक्षत के साथ भगवा कपड़े पर गणपति की स्थापना करें, पंचोपचार पूजन कर लड्डू का श्रद्धा पूर्वक भोग लगाएं। ओम ग्रीं शह लंबोदराय नमः। इस मंत्र का चंदन की माला पर 14 माला जप करें। पंचामृत के साथ कलावा और लाल कपड़ा समर्पित करें। गणेश जी के इस स्वरूप की आराधना करने से सारी घर संबंधी बाधाएं जो है वो समाप्त होती हैं और निश्चित रूप से घर में रहने वालों को हर प्रकार के सुख शांति का आनंद प्राप्त होता है। आज पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं भगवान गणेश के वो खास स्वरूपों की आराधना के उपाय, जो खोल सकते हैं आपकी किस्मत के दरवाजे और आपको दिला सकते हैं सफलता का वरदान। पंडित जी से जानते हैं गणपति के विकट स्वरूप की आराधना से कौन सा शुभ फल मिलता है। पंडित जी अगर हम बात करें गणपति के छठे स्वरूप की, तो वो कौन सा है और उससे क्या फल की हमें प्राप्ति होती है? लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। जो छठवां स्वरूप है श्री गणेश का, वो विकट स्वरूप है। अक्षत के साथ सफेद वस्त्र पर गणेश जी को स्थापित कीजिए, पंचोपचार पूजन कर गुड़ और चने का भोग लगाइए। ओम ग्रां ग्रीं गौरौं शह विकटाय नमः। इस मंत्र का लाल चंदन की माला पर 15 माला जप करें। पंचामृत के साथ फूलों की माला अर्पित करें। गणेश जी की इस स्वरूप की आराधना करने से विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलती है। गणेश जी के यह 12 स्वरूप अलग अलग फल को देने वाले हैं। जो जिस स्वरूप की पूजा करता है उसकी उस प्रकार से मनोकामना पूरी होती है। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला रहेगा, इसके कारण आज आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। रुके हुए सरकारी कामकाज में आज आपको सफलता प्राप्त होगी और नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी। बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई आपके जीवन में परेशानी है तो उसे आज समाप्त होने का दिन आप मानकर चलें। आज निश्चित रूप से उसका निराकरण होगा। आज आपको गणेश जी की उपासना करने से सेहत में काफी कुछ लाभ मिलने की पूरी संभावना है। जय मां विंध्यवासिनी।
लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरी उम्र है 8/10/59 मेरी जन्म डेट ऑफ बर्थ है। जी जी सवाल बोलिए। मेरा सवाल यह है कि पंडित जी कमाता बहुत हूँ लेकिन कोई बरकत नहीं है मेरी कमाई में। राजेंद्र जी आपने जो प्रश्न किया है तो आपके धन भाव का स्वामी मंगल है और आपके आमदनी भाव का जो स्वामी है वह सूर्य है। मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की जो स्थिति है परस्पर द्वितीय द्वादश की बन रही है और आपके धन स्थान में शुक्र है, तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने उत्तरदायित्वों का ही निर्वाह कर रहे हैं। ना आपका पैसा दवाई में जा रहा है, ना आपका पैसा मुकदमे में जा रहा है, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारियों का ही निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। धन संचय हो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक स्टील या पीतल के डब्बे में कुबेर यंत्र इस धनतेरस पर स्थापित कर लीजिएगा और उसी में पैसे का संकलन कीजिएगा तो खर्च कम होगा और धन संचय होगा। गणपति को हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं। इनका विघ्न नाशक स्वरूप आखिरकार कैसा होता है और क्या है इस स्वरूप की महिमा, क्या वरदान मिलता है इसकी आराधना करने से, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। विघ्न नाशो विनायक, जो विघ्न का नाश करने वाले हैं, विघ्नों का समन करने वाले हैं, ऐसा श्री गणेश का सातवां स्वरूप है। अक्षत के साथ गुलाबी कपड़े पर गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। पंचोपचार पूजन कर पंचमेवे का भोग श्रद्धा पूर्वक समर्पित करना चाहिए। ओम गं क्रौं शः उच्छिष्टाय नमः, इस मंत्र का लाल चंदन की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर 10 माला जप करने का शास्त्र सम्मत विधान है। पंचामृत के साथ आग का फूल अर्थात सफेद मंदार का फूल गणेश जी को समर्पित करना चाहिए। गणेश जी के इस स्वरूप की जो लोग पूजा करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। पंडित जी कालचक्र में हमें बता रहे हैं भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए उनके 12 स्वरूपों की महिमा, किस तरह से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं, उनके अलग अलग स्वरूपों को पूज के, यही आज कालचक्र में हम पंडित जी से जान रहे हैं। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गो उसके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य निःसंदेह अच्छा रहेगा। खर्चों पर ध्यान दें वरना थोड़ी सी परेशानी पड़ सकती है। भाइयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा में आज आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा कवच का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान श्री गणेश को हम विनायक नाम से भी जानते हैं, विनायक नाम से भी पुकारते हैं, क्या है इस स्वरूप की महिमा, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी गणपति का 8वां स्वरूप विनायक। गणपति का 8वां स्वरूप जो है वो विनायक का स्वरूप है। इस स्वरूप को लाल कपड़े पर आप स्थापित करें और पंचोपचार पूजन कर नारियल का भोग लगाएं। ओम ग्रौं 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 शह विनायकाय नमः, इस मंत्र का लाल चंदन की माला पर 17 माला जप करें या ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का आप 17 माला जप कर लें। पंचामित्र के साथ इत्र समर्पित करें। गणेश जी के इस स्वरूप की जो लोग आराधना करते हैं उनके शत्रुओं का समन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज समाज में आपका मान सम्मान रुतबा बढ़ेगा। आज रुके हुए सरकारी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। आज आपके बच्चों की उन्नति होगी। आपको चाहिए नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का आज आप एक माला जप अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान श्री गणेश का एक स्वरूप होता है धूम्रकेतु, क्या है इस स्वरूप की महिमा और इसकी आराधना से हमें किस तरह के शुभ फल की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। धूम्रकेतु ग्रहाध्यक्ष हो, भगवान गणेश का 9वां स्वरूप जो है वह धूम्रकेतु का है। अक्षत के साथ पीले कपड़े पर गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। पंचोपचार पूजन कर ऋतु फल का भोग लगाना चाहिए। ओम ग्रौं शः धूम्रकेतवे नमः, इस मंत्र का जप चंदन की लाल माला पर 14 माला जप करना चाहिए। पंचामृत के साथ गुलाल और हल्दी समर्पित करनी चाहिए। गणेश की इस स्वरूप की आराधना करने से प्रसिद्धि प्राप्त होती है। निश्चित रूप से
आपको एक सत्कृति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। बढ़ते इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातक शासन सत्ता में रुके हुए अपने कामों को पूरा कर पाएंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, वरना थोड़ी सी बीमारी आपकी बढ़ सकती है। बच्चों से जुड़ी हुई दिक्कतें आज समाप्त होंगी और आज की हुई यात्रा से आपको निःसंदेह लाभ प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान श्री गणेश का एक स्वरूप है गणाध्यक्ष, क्या है इसकी महिमा आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। धूम्र के तो गणाध्यक्ष हो भालचंद्रो गजाननः, तो ये गणाध्यक्ष स्वरूप जो गणेश का है ये दसवां स्वरूप है। अक्षत के साथ हरे कपड़े पर गणेश जी की स्थापना करें, पंचोपचार पूजन कर पंचमेवे का भोग लगाएं। ओम गंगणाध्यक्षाय नमः इस मंत्र का लाल चंदन की माला पर 17 माला जप करें, पंचामृत समर्पित कर किसी तरह का गुप्त दान करें। गणेश जी के इस स्वरूप की आराधना करने से उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है धनु राशि, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सोच समझकर खर्च करें वरना आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, माँ का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आज आप सूर्य देव को अर्घ्य जरूर समर्पित करें। जय माँ विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है जम्मू की रहने वाली नितिका साहनी, इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। नितिका साहनी का जन्म 8 जनवरी 1990 को 6 बजे प्रातः काल जम्मू में हुआ। नितिका की कुंडली है धनु लग्न की। लग्न में शनि, बुध और सूर्य, इन तीन ग्रहों की स्थिति है। बुध बकरी होकर के बैठा हुआ है और इनके शरीर भाव का स्वामी सातवें घर में पति भाव में बृहस्पति विराजमान है। इनकी जन्म कुंडली में भाग्य का स्वामी सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, जो लग्नेश से दृष्ट किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि उच्च का चंद्रमा वृषभ राशि है इनकी टोरस, तो उच्च का चंद्रमा इनके कुंडली के 6th स्थान में है। स्वास्थ्य में आए दिन इनके गिरावट रहेगी। मंगल 12वें भाव में होने के कारण ये मांगलिक भी हैं। ऐसे में भाग्य तो इनका पूरा साथ देगा लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट और शिक्षा में व्यवधान की स्थिति। वैवाहिक जीवन इनका निःसंदेह अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विवाह के पहले तक स्वास्थ्य में काफी दिक्कतें आएंगी। अभी 3 दिसंबर 2013 तक इनके स्वास्थ्य में बार बार गिरावट की संभावना बन रही है। इन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, इसके बाद इनका जीवन अवश्य अच्छा होगा। नितिका जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं। विनोद जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। पंडित नमस्कार। हाँ नमस्कार विनोद जी। पंडित जी, मैंने अपनी बिटिया के बारे में एक सवाल करना था। मेरी बिटिया की बर्थडे है 14 जुलाई 1983 जी, शाम को 10:35 से 10:45 तक जी जी। एक तो उसके विवाह में रुकावटें काफी आ रही है और एक सरकारी नौकरी का क्या योग है, घर पर थोड़ा मार्गदर्शन करें। देखिए विवाह में तो जो भी दिक्कत आ रही है ये दिक्कत ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों की है। जनवरी के महीने में 14 जनवरी के बाद इनका विवाह तय भी हो जाएगा और अप्रैल मई तक विवाह की तैयारी भी आप करिए, इसमें ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। हाँ एक बात इतना जरूर है, जहाँ तक सरकारी नौकरी के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बुध है और इससे दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है। सरकारी नौकरी में अभी व्यवधान की स्थिति है, सरकारी नौकरी लगने में अभी कम से कम 1 से 1.5 वर्ष का समय लग सकता है।